अगर आप सिविल कोड कोड रीडर के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उससे पहले आप क्या करेंगे कि इस चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले आपको आप तक अपडेट जो है वो पहुंचा देते हैं। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल टीच बाय नीतीश से जरूर जुड़िएगा, उस पर हर अपडेट जो होगा वो आपको बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर के रिगार्डिंग सारी चीजें दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, उसके मिस्टेक्स कैसे काउंट किए जाएंगे। तो आपको सिंपल सा बात यह है कि 400 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, और 400 वर्ड्स में से आपको क्या करना है, 90% उसका वर्ड सही करना है और 10% आप मिस्टेक कर सकते हैं। यानी कि अगर 400 का 10% आप निकालते हैं तो 40 वर्ड, तो 400 वर्ड आपको टाइप कर देते हैं, अगर आपका उसमें से 10% वर्ड यानी 40 वर्ड्स जो होंगे अगर गलत भी हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग के लिए। यही बात अगर हम टाइपिंग टेस्ट के हिंदी फॉन्ट की बात करें तो हिंदी में जो है आपको हिंदी में जो रहेगा 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं, और 300 का अगर आप 10% निकाल देते हैं तो 30 वर्ड, यानी कि 300 वर्ड आपको टाइप करने हैं, अगर उसमें 30 वर्ड आपका मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये जो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि किस तरह से टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, अगर अभी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।